सो अगले 7 दिनों के लिए मैं यूज करने वाली हूँ रोजमेरी वाटर फॉर एक्सट्रीम हेयर ग्रोथ। इट्स डे वन और यूज करने से पहले इसे बनाना होगा। अब मेरे घर में तो रोजमेरी का पौधा है नहीं और यहाँ आसपास नर्सरी में मुझे मिला नहीं, इसीलिए मैंने अमेजोन से डायरेक्ट ड्राई लीव्स ऑर्डर कर लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब रोजमेरी वाटर बनाने के लिए मैं यूज कर रही हूँ 4 कप पानी आरओ का और 4 चम्मच रोजमेरी लीव्स, मतलब 1 कप पानी में 1 चम्मच रोजमेरी लीव्स। अब ठंडियां हैं इसलिए मैं अदरक डाल रही हूँ और अगर गर्मियां होती तो मैं मिंट लीव डालती। आपको तो पता ही है अदरक के कितने बेनिफिट्स हैं बालों के लिए। इसे अच्छे से धीमी आंच पे 20 मिनट के लिए मैं पकने दूंगी और 20 मिनट के बाद जब यह हल्का सा रेडिश ब्राउन हो जाएगा तो मैं गैस बंद कर दूंगी और 1 घंटे के लिए ठंडा होने दूंगी। फाइनली दिस इज माई रोजमेरी वाटर। अब बालों में लगाने के लिए मैं कॉम कर रही हूँ ताकि मेरे बाल अच्छी तरह सुलझ जाएं। इसके बाद ये रोजमेरी वाटर मैं धीरे धीरे अपने बालों में डाल रही हूँ ताकि मेरे बाल रूट टू टिप पूरा सोक कर लें रोजमेरी वाटर। जब अच्छी तरह मेरे बालों में लग जाएगा तो मैं 2 मिनट के लिए इसी तरीके से हल्के हाथों से मसाज करूंगी। ज़्यादा टाइट या फिर जल्दी जल्दी नहीं करना है क्योंकि गीले बाल सेंसिटिव होते हैं, आपको पता ही है। देन एक टावल लेकर अपने बालों में इस तरह लपेट लूंगी और फिर बाल सुखा लूंगी। मतलब मैं इस रोजमेरी वाटर को दोबारा नहीं धुलूंगी, ये मेरे बालों में ऐसे ही एब्जॉर्ब रहेगा। बस इतना ही। सबसे पहले ना मैं आप लोगों को इसकी खुशबू के बारे में बताना चाहती हूँ। मतलब जब मैं इसे बना रही थी ना, सच में पूरे घर में इतनी अच्छी सी खुशबू फैल गई थी, बहुत अच्छी पूरे घर में। मतलब जो वो बनने वाला था ना तब काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। इवन जब मैंने अप्लाई भी किया था ना, अप्लाई करते टाइम भी अच्छी सी खुशबू आ रही थी। कुछ ऐसा लग रहा था जैसे धूपबत्ती टाइप या फिर थोड़ी सी हर्बल सी खुशबू आ रही थी, थोड़ी सी डिफरेंट थी। और अगर इफेक्टिवनेस की बात करें या फिर इसने कैसा वर्क किया, अगर मैं सच बोलूँ ना तो मेरे बाल जो हैं वो थोड़े से कम ड्राई लग रहे हैं, मतलब थोड़े से सॉफ्ट लग रहे हैं। ये देखो शाइन भी आ रही है, गेस पता नहीं आपको दिख रही है क्या। मैं तो सच में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ 7 डेज के बाद देखने के लिए। और हाँ, सबसे अच्छी बात बताऊँ कि मैंने ना आज का कल ही बना लिया था, मतलब मैंने 2 दिन का ना एक ही दिन बना लिया था, तो बस आज मुझे अप्लाई करना है, बनाना नहीं है। और ऐसे ही अगले 2-3 दिनों तक मैंने अपने बालों में रोजमेरी वाटर लगाया। अब इसे लगाने से ना मेरा हेयर फॉल नॉर्मल हो गया था, इवन थोड़ा बहुत कम ही लग रहा था। और जब तक मेरे बाल गीले रहते थे एक अलग ही भीनी भीनी हर्बल सी खुशबू आती रहती थी। हेलो, गुड मॉर्निंग। आज ना मेरे बाल बहुत हैवी से लग रहे हैं। वैसे तो मुझे कल ही लग रहा था कि मेरे बाल अब धुलने के लायक हो गए, तो आज मुझे हेयर वॉश करना था, बट मैं हेयर ऑयलिंग ही करना भूल गई रात में। अभी मेरे बाल देखो कितने ज़्यादा हैवी हो रखे हैं। ये शाइन देखो आप, इसी की मैं बात कर रही थी। कोई रिंग लाइट तो है नहीं या कोई भी आर्टिफिशियल लाइट मैंने लगाई नहीं है। इधर मेरी खिड़की है, वहीं से सारी रोशनी आ रही है। और देखो जरा ये नेचुरल लाइटिंग है एकदम, ये देखो। और हाँ, अब हेयर वॉश करना है इसलिए मैं अभी हेयर ऑयलिंग करूँगी। और मैं हेयर ऑयलिंग के लिए ना वही वाला तेल यूज़ कर रही हूँ जो मैंने शॉर्ट्स में यूज़ किया था। एक शॉर्ट में मैंने बताया ना आप लोगों को कि मैं जिंजर वाला हेयर ऑयल यूज़ कर रही हूँ, वही वाला। हाँ, तो मैं कह रही थी कि मैं अच्छे से आज हेयर ऑयलिंग कर लूँगी, इसके बाद फिर 1 घंटे का वेट करूँगी और 1 घंटे के वेट करने के बाद अपने बाल अच्छी तरह हेयर वॉश करूँगी और उसके जस्ट बाद रोजमेरी वाटर लगा लूँगी। मतलब आज मैं रोजमेरी वाटर अपने बाथरूम में लगाने वाली हूँ जस्ट नहाने के बाद, तो थोड़ा सा मैस से बच जाऊँगी मैं। यार 3-4 दिनों से मैं रोजमेरी वाटर बनाती थी और रोज़ अपने बालों में लगा रही थी, बट आज मेरी मम्मी ना बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही हैं। बोल रही हैं पता नहीं क्या गैस फूंकती रहती है, जब देखो ये पत्तियाँ ही उबालती रहती है रोज़। तो इसीलिए मैं बाकी बचे हुए डेज़ का रोजमेरी वाटर आज ही बना रही हूँ और फिर इसे फ्रिज में स्टोर कर लूँगी। वैसे आपको पता है ये रोजमेरी वाटर हम 7 डेज तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। यार ये तो बहुत ठंडा है, मुझे तो बहुत आलस आ रहा है आज इसे लगाने में। मैंने ना बहुत लोगों को देखा है वो स्प्रे से यूज़ कर लेते हैं, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना आज उसी से ट्राई कर लिया जाए। आलस आलस आलस। वेट, मैं पहले स्प्रे लेकर आती हूँ। फाइनली मुझे ये बॉटल मिल गए, अब इसके अंदर खाली कैसे करें, लेट्स सी। इससे लगाना तो बहुत आसान है यार, बिल्कुल भी मैसी नहीं है। ये क्या हो रहा है? जब भी आप ऐसे स्प्रे से लगाओ ना तो हमेशा याद रखना तुरंत बाल मत बांधना, पहले अच्छे से अपने बाल सुखा लेना तभी बांधना। सिंपल। फाइनली कल हम ये देखेंगे कि मेरे बालों में कितना डिफरेंस आया है इस रोजमेरी वाटर से। वैसे तो अच्छा ही आना चाहिए क्योंकि मैंने पूरे 5 दिन अच्छी तरह अपने बालों में रोजमेरी वाटर डुबो डुबो के लगाए।
हाँ ठीक है, लास्ट के दो दिन मैंने थोड़ी चीटिंग कर ली, स्प्रे से लगा लिया, बट लगाया तो है। बट उससे पहले हम ये देखें कि मेरे बालों में क्या डिफरेंस आया है। आप ये देख लो, मेरे फेवरेट माइक्रोफाइबर टॉवल का क्या हो गया, बहुत बुरी तरह स्टेन हुआ है यार ये। आई होप जब मैं इसे वॉश करूँ तो ये पूरा साफ हो जाए, क्योंकि ये मेरा फेवरेट था। ये चैलेंज स्टार्ट करने से पहले और 7 दिनों के बाद दोनों टाइम मैंने अपने बाल मेजर कर लिए थे, ताकि हमें हेयर ग्रोथ का अच्छे से पता चल सके। डे 1 पर मेरे बाल 29.5 सेंटीमीटर थे और आफ्टर में 30 सेंटीमीटर, मतलब 0.5 सेंटीमीटर का ग्रोथ हुआ है 7 दिनों में। अब हेयर ग्रोथ के साथ साथ हेयर क्वालिटी में भी काफी अच्छा डिफरेंस दिख रहा है, विच इज ग्रेट। मुझे रोजमेरी वाटर की सबसे अच्छी बात लगी कि इसे बनाना और लगाना दोनों ही बहुत आसान है, प्लस इसे हम डेली लगा सकते हैं, और इसने मेरे बालों में जो ग्लॉसीनेस दिया ना, वो देखने लायक है यार। डे 1 से ही ना विजिबल रिजल्ट दिख रहे थे, विच इज अनबिलीवेबल। इसने तो सच में राइस वाटर को जमकर टक्कर दी है। क्या राइस वाटर, वो क्या होता है, वो कैसे लगाते हैं? ये जानने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो देखो ना।